हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री क्लास 11 के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। चैप्टर नंबर है आपका 1 और लेक्चर नंबर है हमारा 4। फोर्थ लेक्चर की बात करते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैं बात कर चुका था, थर्ड लेक्चर में जो मैंने बात की थी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेरिवेटिव क्वांटिटीज और कुछ केमिकल जो सॉरी और कुछ फॉर्मूलाज। आज मैं बात करता हूं डेरिवेटिव यूनिट की, जो क्या होती हैं ऐसी यूनिट्स जो डिपेंड होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर, यानी कि दो यूनिट्स डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स, जो डिपेंड होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर वे कहलाती हैं आप लोग डेरिवेटिव यूनिट्स। मैं बात करता हूं बच्चों, इससे पहले कुछ यूनिट तो आपको पता ही है, व्युत्पन्न मात्रक हिंदी में ये कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं बच्चों यूनिट्स को। मात्रक का मतलब क्या होता है, यूनिट्स का मतलब होता है मेजर्ड करना, मापना। तो बच्चों हमारे पास मापने के लिए तीन सिस्टम होते हैं, एक एमकेएस सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक एफपीएस सिस्टम। हम तीन सिस्टम में मापते हैं चीजों को, तीन सिस्टम। एमकेएस एक इंटरनेशनल सिस्टम है, एसआई सिस्टम इसे कहते हैं, सीजीएस सिस्टम। अब एमकेएस की फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस सिस्टम की क्या फुल फॉर्म है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस सिस्टम की क्या फुल फॉर्म है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये सिस्टम होते हैं और हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम। अभी मैं कुछ यूनिट्स आपको बताता हूं, जैसे आप लोगों ने वी इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ इनटू ब्रिथ इनटू हाइट। मैं निकालना भी आपको बताऊंगा लेंथ की, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगा इसका। लेंथ की यूनिट होती है बच्चों मीटर इनटू, ब्रिथ की यूनिट भी क्या होगी मीटर, हाइट की यूनिट भी क्या होगी मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब, हम लोग हिंदी में से बोलते हैं घन मीटर, मीटर की घात 3, मीटर की पावर 3, दैट इज मीटर क्यूब। ऐसे ही मैंने आपको एरिया बताया था, ए इक्वल टू होता है आपका क्या होता है, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई भैया, इसकी यूनिट हो गई भाई मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे क्या निकालते हो, यूनिट्स निकालते हो। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए आप, मैं सभी फॉर्मूलाज की यूनिट्स और ये सारी यूनिट्स क्या कहते हैं डेरिवेटिव यूनिट्स। अब मैं डेरिवेटिव यूनिट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। जैसे वी इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी यूनिट मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, लेंथ मीटर में मेजर होगी, ब्रेथ भी मीटर में मेजर होगी, हाइट भी मीटर में मेजर होगी। तो ये क्या होगा, मीटर क्यूब हो गया, ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। ये क्या आपका एरिया जो होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसकी यूनिट्स क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपकी मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। आपकी डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की यूनिट क्या होती है एमके सिस्टम में किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है बच्चों मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही मैं बात करता हूँ डेंसिटी के बाद, अब मैं बात करता हूँ आपकी किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी वी बराबर क्या होता है आपका, वी बराबर वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताइए। हाँ मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है एक तरीके की डिस्टेंस, मीटर और टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड यूनिट्स क्या होगी, इसकी यूनिट है ये क्या है यूनिट्स, क्या है ये सब यूनिट हैं, क्या है ये यूनिट। अब मैं बात कर रहा हूँ मीटर पर सेकेंड, ये क्या है इसकी यूनिट। अब मैं बात करता हूँ एसिलेशन की, किस चीज़ की बात करता हूँ, एसिलेशन। एसिलेशन एसिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब बच्चों ध्यान दो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा खोल लेते हैं,
तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खोल लेता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डी अपॉन टी, और ए अपॉन टी हो गया, ए अपॉन टी हो गया। अब यहाँ से डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है टी। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसके बटे में ही इंटरनल इंटरनल की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा डी अपॉन टी स्क्वायर, डी अपॉन टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो आपका अब ये क्योंकि डी, अब टी की टी में गुणा होगी टी स्क्वायर। अब ध्यान दें इसकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी मीटर, और इसकी यूनिट क्या होगी टाइम की सेकेंड, और इस पर क्या लगा स्क्वायर, तो इस पर ये क्या लगा दो स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होगी एक्सीलरेशन की। अब मैं बात करता हूँ बच्चों फोर्स की, फोर्स बराबर एफ बराबर क्या होता था मैंने तुम्हें एम में, अगर हमने एफ इसकी यूनिट क्या होगी, अब मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास की यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम इंटू, अब आप लोगों ने एक्सीलरेशन की यूनिट निकाली है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरी यूनिट को एक साथ बोलते हैं बच्चों न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं हम लोग न्यूटन, न्यूटन बोलते हैं, समझ में आ गई बात आपके, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ बच्चों फोर्स की, फोर्स बराबर आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी प्रेशर की, प्रेशर बराबर आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया, क्या पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा था, तो फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स यूनिट क्या होती है आपकी किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसके ये तो किसकी यूनिट है, ये यूनिट है आपकी फोर्स की। अब मैं बात करता हूँ किसी भी यूनिट की, मैं बात कर रहा हूँ एरिया की यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल है एरिया है, एरिया की यूनिट होती है बच्चों मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में एक, बच्चों इंटरनल इंटरनल की मल्टीप्लाई होती है और आउटरनल आउटरनल की, तो जब इस मीटर स्क्वायर से क्या कट जाएगा मीटर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा किलोग्राम बचा एक टू, किलोग्राम बच गया, बटे क्या होगा सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा आपका मीटर, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर। अब इसका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पूरे को, या इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, देखो ये पूरा होगा इस तरीके से आप लोगों ने, एक तो आप बोल सकते हो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, ये आप बोल सकते हो। दूसरा आपका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, अब मैं बात करता हूँ, या फिर आप इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोला जाता है बच्चों न्यूटन, क्या बोलते हैं, या करके आप मैं बता देता हूँ और करके न्यूटन पर एरिया को क्या बोलते हो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होगी बच्चों प्रेशर की। अब मैं बात करता हूँ वर्क की यूनिट की, किसी भी वर्क, वर्क बराबर क्या होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, तो डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी इसकी बल, इसकी यूनिट क्या है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी मीटर, तो इसकी यूनिट होगी बच्चों न्यूटन मीटर, क्या होगी न्यूटन मीटर। अब न्यूटन का आप लोग क्या बोलते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बोलते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को और क्या बता रहा हूँ, न्यूटन का बोल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एक मीटर, ये ना तो मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बोल सकते हो या करके आप लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रहे क्योंकि मीटर के मीटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हो यूनिट्स निकालते हैं। अब मैं और की बात करता हूँ, ज़रा ध्यान दें, जैसे मैंने आपको बताया था, और इस पूरी यूनिट्स को न्यूटन मीटर को आप लोग बोलते हो, इसको न्यूटन मीटर को भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इस सारी यूनिट को बोलते हो बच्चों आप लोग जूल, जे यू एस जूल, क्या बोलते हो बच्चों आप लोग जूल, क्या बोलते हैं जूल, और जूल को डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। अब बच्चों ध्यान दें मेरे पास क्या है आपका, मैंने आपको बताया है पावर, पावर की बात करता हूँ, तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन टी। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जूल, और इसकी यूनिट क्या है सेकेंड, बस हो गया काम।
तो जूल पर सेकंड, तो पी की जो पावर की जो यूनिट है उसे कहते हैं जूल पर सेकंड। तो यूनिट्स भी आपकी हो गई है। अब ये सारी की सारी यूनिट्स मैंने आपको बताई है क्या भाई, कि ये सब क्या है, डेरिवेटिव यूनिट्स है। सब की सब यूनिट्स आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मदद देंगी, तो आप ध्यान देना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज पता होनी जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था फंडामेंटल यूनिट्स की और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बच्चों अब मैं आपके सामने बहुत सारे सिंबल्स लेकर के आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अब आप इन सभी फॉर्मूलेज को और इन सभी यूनिट्स को याद कर लें। आज मैं बात करूंगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आप एक रो सिंबल होता है, एक आपका ईटा सिंबल होता है, ये थीटा होता है, ये फाई होता है, फाई ये फाई है, थीटा है, ईटा है, रो है, ये आपका काई है, ये आपका साई है। तो ये क्या है, सिंबल्स हैं। अब ये सारे सिंबल्स जीटा ईटा थीटा, ठीक है, और जैसे मैंने कहा ये म्यू सिंबल्स हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब ध्यान दें, नेक्स्ट वीडियो में हमें यही पढ़ना है कि कौन सा सिंबल्स क्या होता है। और एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, डेसी सेंटी मिली है, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।